हाई डियर स्टूडेंट्स गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल देखिए बच्चों इस वीडियो में मैंने पोस्ट किया हुआ है क्लास एलेवंथ का मैथमेटिक्स पेपर ये सीरीज़ वाई है और ये सॉफ्ट जोन 2024 का पेपर है जो कंडक्ट हुआ था अप्रैल अप्रैल में कंडक्ट हुए थे ये पेपर्स क्लास अलेवंथ सॉफ्ट जोन के एंड इसके अलावा मैंने ऑलरेडी एक्स सीरीज़ को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है चैनल पर आप देख सकते हैं एंड उससे पहले ही मैंने हार्ट जोन 2024 के क्लास अलेवंथ के मैथमेटिक्स पेपर्स भी अपलोड कर लिए हैं वो भी देख सकते हैं आप इनके डिस्क्रिप्शन में जाके आप इन वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन लिंक में आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ पर आपको लिंक्स मिलेंगे वहाँ से आप पी कॉपीज़ और सल्यूशन ऑफ़ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वेरी शार्ट आंसर टाइप्स कुछ टिप्स मैंने फॉर्मूले वगैरह वहाँ पे डाले हुए हैं वो आप डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं तो चलिए बिना टाइम भी वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं तो देखिए आपके पास टाइमिंग थ्री आवर्स था मैक्सम मार्क्स आपके पास एटी होते हैं ट्वेंटी मार्क्स का आपको इंटरनल जो टीचर है वहाँ से ट्वेंटी मार्क्स मिलेंगे आपको एंड एटी मार्क्स के लिए आपके पास देखिए चार सेक्शन हैं और सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन डी चार सेक्शन है एंड ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के जो पेपर्स हुए हैं इसमें इस इसमें आपको टेन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुए हैं कुछ आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं उनमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा हैं किसी में ट्वेंटी है किसी में सिक्सटीन है बट जो आपका साइंस का है तो साइंस के सब्जेक्ट्स में आपको टेन टेन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुए हैं अबाउट थ्री फोर ईयर्स तक ये पैटर्न नहीं था तो ट्वेंटी ट्वेंटी फोर से आगे ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वाला पैटर्न जो है फिर से शुरू हो गया है ट्वेंटी नाइनटीन 2018 तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते थे पेपर्स में फिर थ्री फोर ईयर्स ट्वेंटी थ्री तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं आए फिर उसके बाद ये इस साल 2024 में फिर से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं तो इस तरह मैथमेटिक्स में आपको सेक्शन ए में टेन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए हुए थे सेक्शन बी में आपके पास टेन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आए हुए थे टू मार्क्स ईच वाले और सेक्शन सी में आपके पास फोर मार्क्स ईच वाले क्वेश्चन आए हुए थे एट क्वेश्चन और सेक्शन डी में आए हुए थे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और ये तीन क्वेश्चन आए हुए थे सिक्स मार्क्स ईच वाले ठीक है चलते हैं सेक्शन ए में आउट देखते हैं कौन कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए हुए थे ओके दिस इज सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वन मार्क्स ईच देखिए क्वेश्चन वन देखिए सेट सेट थ्योरी से क्वेश्चन आया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म फॉर थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व इज तो इसका आपको ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है आपको इसकी इस सेट को आपको सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है इसकी तो देखिए थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व तो ये मुझे लग रहा है जैसे थ्री पावर वन थ्री पावर टू आ, थ्री टाइम्स थ्री पावर वन थ्री पावर टू नहीं ये देखिए थ्री इंटू वन लिख सकते हैं हम थ्री को सिक्स क्या हो जाएगा थ्री टू दिक्स थ्री इंटू टू फिर थ्री इंटू थ्री थ्री इंटू फोर तो इसको हम लिख सकते हैं क्या तो ये थ्री एन की तरह लग रहा है मुझे ठीक है ना इसको अगर आप सेट बिल्ड करना चाहोगे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहोगे इसको तो ये क्या आएगा ये आ जाएगा एक्स सच दैट एक्स इजकल टू थ्री एन और एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है पहला जो सेट का जो एलिमेंट है थ्री इसका आएगा थ्री इंटू वन तो वन से स्टार्ट हो रही है फिर थ्री इंटू टू थ्री इंटू थ्री थ्री इंटू फोर तो जो एन का वैल्यू है वो वन से फोर तक जा रहा है वन और फोर को इंक्लूड करना है वन टू फोर तो हम लिख सकते हैं सेट का जो वैल्यू आएगा दैट इज़ एक्स सच दैट एक्स इज इक्ल टू थ्री एन कामा एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड वन लेस देन आर इक्वल टू एन लेस देन आर इक्वल टू फोर ऑप्शन सी देखती ऑप्शन सी में देखिए ऑप्शन सी मैच कर रहा है तो क्वेश्चन वन का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू देखिए एक फंक्शन दिया हुआ आपके पास सिंपल सा फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस फाइव देन एफ ऑफ सेवन इज इक्वल टू तो मतलब आपको एक्स की जगह पे सेवन पुट करना है और एफ ऑफ सेवन का आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है तो ये है टू एक्स माइनस फाइव तो मतलब टू इंटू सेवन हो गया फोर्टीन माइनस फाइव सेवन क्या फोर्टीन माइनस फाइव कितना हो गया फोर्टीन माइनस फाइव नाइन हो गया नाइन तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है डी ऑप्शन डी नाइन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए फिर से फॉर्मूला आया हुआ है साइन ऑफ थ्री एक्स इज इक्वल टू साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला आया हुआ है ठीक है अगर आपने ये फॉर्मूले पढ़े होंगे साइन थ्री एक्स कास्ट थ्री एक्स टेन थ्री एक्स ठीक है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे तो साइन ऑफ थ्री एक्स का मतलब क्या होता है यह होता है थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स क्या होता है इसका आंसर? साइन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी साइन थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर दी वैल्यू ऑफ फाइव एटा इन टू माइनस थ्री माइनस फाइव एटा इज ठीक है तो इसको आप मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर दीजिएगा तो इसका वैल्यू आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर का आपके पास करेक्ट ऑप्शन आएगा पहला माइनस फिफ्टीन एोटा प्लस ट्वेंटी फाइव इसको मल्टीप्लाई करोगे ना अगर आप तो एओटा स्क्वेयर जहाँ पे आएगा उसको माइनस वन लिख देना ठीक है और जहाँ जा, जहाँ खाली एटा पावर वन है उसको वैसे ही रखना तो ये फाइव थ्रीज ऑफ फिफ्टीन हो जाएगा माइनस फिफ्टीन आई प्लस फाइव फाइव हो जाएगा ट्वेंटी फाइव आईओटा स्कोर हो जाएगा माइनस वन तो माइनस ये पहले से है तो माइनस इंटू माइनस वन हो जाएगा प्लस ठीक है तो माइनस फिफ्टीन आईओटा प्लस ट्वेंटी फाइव तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फाइव वैल्यू ऑफ एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन है एन रिजल्ट टू नाइन दिया हुआ है एंड सॉरी आर इजगल टू फाइव दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया एन की जगह पे आप नाइन पुट करो आर की जगह पे फाइव पुट करो तो ये न्यूमिनेटर में बनेगा नाइन फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में बनेगा नाइन माइनस फाइव कितना हो गया फोर फैक्टोरियल न्यूमिनेटर में नाइन फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में फोर फैक्टोरियल तो अब हम इसको कैंसिल करने की कोशिश करेंगे तो ये हम नाइन फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं नीचे है फोर फैक्टोरियल तो न्यूमिनेटर में हम इसको करेंगे नाइन इंटू एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल तक रो फोर फैक्टोरियल पर जाके रोकेंगे डिवाइड बाई फोर फैक्टोरियल है फोर फैक्टोरियल फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास नाइन इंटू एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव तो वो जब आप मल्टीप्लाई करोगे दैट कम्स आउट टू बी फिफ्टीन थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी पंद्रह हज़ार एक सौ बीस ऑप्शन सी तो क्वेश्चन नंबर फाइव का जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आएगा दैट इज ऑप्शन सी फिफ्टीन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्स ठीक है ये एक्स वाई जेड सीरीज में बस जस्ट सेम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं ये एक्सेंट्रिसिटी आई हुई देखो द एक्सेंट्रिसिटी ई ऑफ एलिप्स इज इक्वल टू ठीक है तो एलिप्स के लिए क्या होती है एक्सेंट्रिसिटी माइनस वन होती है ई लेस देन वन होती है सॉरी माइनस वन नहीं होती है लेस देन वन होती है एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स ई लेस देन वन ठीक है जीरो से वन तक वैल्यू होती है और ई इक्वल टू वन किसके लिए होता है ये होता है पैराबोला के लिए ई इक्वल टू ई ग्रेटर देन वन किसके लिए होता है हाइपरबोला के लिए तो एलिप्स के लिए ई लेस देन वन पैराबोला के लिए ई इज इक्वल टू वन एंड हाइपरबोला के लिए ई ग्रेटर देन वन ठीक है इस एक्सेंट्रिसिटी के दूसरे फॉर्मूले भी हैं और ये ओवरऑल वैल्यू की बात हो रही है जो लास्ट में वैल्यू आती है ठीक है बाकी एक्सेंट्रिसिटी कैलकुलेट करने के फॉर्मूले भी हैं एलिप्स uh, के लिए हाइपरबोला पैराबोला तीनों के लिए तो ये कॉनिक सेक्शन से क्वेश्चन उठाया गया है उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर माइनस ए कावा माइनस बी एंड रेडियस अंडर रूट ऑफ ए स्क्र माइनस बी इज इक्वल टू तो आपके पास आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल बताना है और सेंटर आपके पास क्या दिया हुआ है माइनस एक आवा माइनस बी और रेडियस दिया हुआ आपके पास अंडर रूट ऑफ ए स्क्यर माइनस बी स्क्यर ठीक है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर ठीक है तो आप एक्स वन आपको दिया है वाई वन दिया है आर भी आपके पास दिया हुआ है तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इट कम्स आउट टू बी क्वेश्चन नंबर सेवन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है ये आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्यर प्लस टू ए एक्स प्लस टू बी वाई प्लस टू बी स्क्र इजकल टू जीरो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं द वैल्यू ऑफ फाइव एक्स माइनस थ्री लेस देन सेवन वन एक्स इज एन इंटीजर इज तो देखिए ये एक इनक्वलिटी दी हुई यहाँ पे और एक्स को इंटीजर बोला गया है तो क्या वैल्यू होगी यहाँ पे x की जो वैल्यूज होंगी क्या होंगी ठीक है तो इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे या आप जैसे पी डी में सॉल्व किया है क्वेश्चन उसको आप सॉल्व करेंगे ठीक है यहाँ पर आप इसको सिंपली कर सकते हो सॉल्व फाइव एक्स माइनस थ्री लेस देन सेवन है ना तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप हमें कैलकुलेट करना है ठीक है तो माइनस थ्री को अगर आप यहाँ से मूव करते हैं ठीक है राइट लेफ्ट लेते हैं अगर इसको आप या आप इसको राइट लेफ्ट नहीं लेंगे हम इसको क्या करेंगे फाइव एक्स है ना हम इसमें प्लस थ्री करेंगे ठीक है लेफ्ट साइड में प्लस थ्री ऐड करेंगे और राइट uh, साइड right में भी प्लस थ्री ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा फाइव एक्स माइनस थ्री प्लस थ्री लेस देन सेवन प्लस थ्री फिर माइनस थ्री प्लस थ्री कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट साइड पे और ये बचेगा फाइव एक्स लेस देन टेन अब फाइव को हमें यहाँ से हटाना है तो हम क्या करेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई फाइव लेफ्ट साइड भी डिवाइड करेंगे फाइव से राइट right साइड भी करेंगे फाइव से डिवाइड तो ये फाइव एक्स अपन फाइव एक्स कैंसिल हो जाएगा फाइव फाइव कैंसिल हो जाएगा एक्स रहेगा तो एक्स लेस देन यहाँ यहाँ पे था सेवन प्लस थ्री यानी टेन था राइट साइड पे तो टेन वन फाइव दैट इज़ टू तो एक्स लेस देन टू आ रहा है तो इसका मतलब इसने बोला था एक्स इज एन इंटीजर एक्स इंटीजर होना चाहिए तो एक्स अगर लेस देन टू है मतलब एक्स टू से कम है तो क्या हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू वन हो जाएगी फिर उसके बाद ज़ीरो फिर माइनस वन ठीक है बैक चलती जाएंगी वैल्यूज़ तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर तो क्वेश्चन नंबर एट का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर वन नाइन द मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज तो देखिए आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला पढ़ा होगा सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स जो सम ऑफ़ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स होता है दैट इज एन इंटू एन प्लस वन अपॉइंट टू तो अगर आपको मीन निकालना है मतलब आपको एन नंबर से उसको एन से डिवाइड भी करना है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू को आप एन से डिवाइड करोगे तो एन एन कैंसिल हो जाएगा आपके पास आंसर आएगा एन प्लस वन बाई टू क्या आंसर आएगा एन प्लस वन बाई टू ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर नाइन का करेक्ट ऑप्शन क्या है ऑप्शन डी एन प्लस वन बाई टू मीन ऑफ फर्स्ट टेन नेचुरल नंबर क्वेश्चन नंबर टेन लास्ट ऑब्जेक्टिव है द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट इन टू थ्रोज ऑफ ए डाइस इज ठीक है तो आप एक डाइस को थ्रो कर रहे हो इसके दो थ्रो कर रहे हो तो डब्लट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है ठीक है तो उसके लिए पहले आपको सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा ठीक है और सैंपल स्पेस आप लिखोगे तो जो डब्लट आने की प्रोबेबिलिटी है एक डाइस के केस में वो कितनी है दैट इज वन बाई सिक्स कर देना इसको. Option, B, right है इसको क्वेश्चन नंबर टेन का ऑप्शन बी वन बाई सिक्स इज द राइट आंसर ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आए हुए हैं प्रोबलिटी से आपको ऑब्जेक्टिव्स भी आएंगे हर चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव्स भी दिए हुए हैं शॉर्ट आंसर टाइप भी आ, फिर फोर मार्क्स वाले भी और फिर सिक्स मार्क्स वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो दो तीन चैप्टर से ही तीन क्वेश्चन है बट शॉर्ट आंसर टाइप वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और ऑब्जेक्टिव हर टॉपिक को इसने टच किया हुआ मैथमेटिक्स इलेवंथ में तो ये थे आपके पास टेन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस अब आगे चलते हैं जो वेरी वेरी शार्ट आंसर टाइप है टू मार्क्स वाले उनको देखते हैं ज़रा देखिए पहला ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अलेवन सबसेट्स बताने थे आपको ए काम बी के तो क्या हो जाते हैं आपके पास दैट इज फाइ एक ए सेट बनता एक बी सेट बनता और एक बनता ए कामा बी सेट ठीक है दोनों का ठीक है तो इसके चार आपके पास सबसे सबसेट्स आ जाते है. ये यूनिन सेट निकालना था आपको ए यून बी यहाँ पर तो ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है इसका रोस्टर फॉर्म बना के इनका आपको यूनियन करना था ठीक है बहुत सिंपल था फिर देखिए इस इक्वेशन को आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है और इंटरसेप्ट क्या क्या होंगी एक्सेस पे वो निकालनी है फिर सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है बहुत सिंपल क्वेश्चन है ऐसा ही ऑब्जेक्टिव भी आया हुआ है ऐसा ही यहाँ पर टू मार्क्स का भी आया हुआ है इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना है जिसका वर्टेक्स दिया है ज़ीरो जीरो और फोकस दिया है थ्री जीरो उसके बाद एक व्हील है जो थ्री सिक्सटी रेवल्यूशन करता है इन वन मिनट हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन वन सेकेंड तो एक सेकेंड में कितने रेडियन टर्न होता है ये ठीक है तो इसको भी आप सिंपली निकाल सकते थे रेडियंस और डिग्रीज का रिलेशन निकाल के सर्कल में से तो ओके क्वेश्चन नंबर 17 राइट द सैंपल स्पेस वेन अ काइन इज टॉस्ड थ्राइस एक काइन को थ्री टाइम्स टॉस कर रहे हो तो उसकी सैंपल स्पेस देखनी थी बहुत सिंपल था उसके बाद ये मेन डिविएशन वाला क्वेश्चन है डाटा दिया हुआ है तो मेन डिविएशन अबाउट मीडियन निकालना है ये इससे 18 से आगे क्वेश्चंस रिपीट हैं सारे इससे पहले जो है डिफरेंट हैं आई थिंक तो ये क्वेश्चन देखिए पॉम्बिशन कॉम्बीशन का है थैक्टेल्व से आया हुआ है फिर उसके बाद ए पी का ये वाला क्वेश्चन ये हमने लास्ट उसमें भी डिस्कस किया तो ये मैथमेटिक्स पे आपको एवरी बिट इज़ फ्रॉम योर बुक डोमेन रेंज का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर देखिए फिर ये इनवर्स टिक्नोमेटिक फंक्शन से है मल्टीप्लिकट यूनिवर्स निकालना था सॉल्व करना था इसको इनक्वालिटी को ठीक है ये फिर से पॉमटेशन कॉम्बिनेशन दिया है ये से दिए हैं दो क्वेश्चन इसने ठीक है एंड फिर ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके पास एक तो ट्रिग्नोमेट्री से आया हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से फिर ये दूसरा वाला जो है ये आई थिंक दिस इज़ फ्रॉम पाम कम्बिनेशन और लास्ट वाला जो है आपका दैट इज मेन डिविएशन पे आया हुआ है ठीक है और लास्ट के जो तीन क्वेश्चन थे लॉन्ग आंसर टाइप उनमें आपको मल इंटरनल चाइस ही मिलता है ठीक है इंटरनेट आपको आर मिलता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में ठीक है सिक्स मार्क्स वाले तो इस मेन डिवीजन वाले क्वेश्चन के आर में भी देखिए आया हुआ है तो यहां पर आपको प्रोबेबिलिटी वाला आर में दिया है इसने प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन ठीक है प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर से ठीक है प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर सारे चैप्टर मतलब यूजुअली बराबर का ही वेट है सबका आई थिंक ओके okay, तो ये था आपका वाई सीरीज़ क्लास अलेवन्थ का मैथमेटिक्स पेपर ये सॉफ्ट जोन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर फोर का पेपर था नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्लास अलेवंथ के मैथमेटिक्स पेपर सॉफ्ट जोन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के जेड सीरीज़ के बारे में ठीक है उसके ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे और शॉर्ट आंसर टाइप भी देखेंगे और लॉन्ग आंसर था आपका ये तो बाकी क्वेश्चन सेम है स्टार्टिंग के जो ऑब्जेक्टिव और सात आठ जो छोटे क्वेश्चन हैं टू मार्क्स वाले वो डिफरेंट आते हैं बाकी आगे पेपर सेम ही होता है ठीक है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वहाँ से आप पीडीएफ कॉपी डाउनलोड कर लीजिएगा और साथ में सोल्यूशन ऑब्जेक्टिव्स के ये सारे मैंने कैलकुलेट uh, किए हुए अच्छे से आपको वहाँ बताया भी है वेरियस टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर्मूले वगैरह तो वो पी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे